एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में सियासत की लड़ाई एक पति और पत्नी के बीच तलाक तक पहुंच गई। दरअसल पति बीजेपी में सांसद हैं, लेकिन पत्नी ने कल ममता की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली, तो सांसद पति ने कह दिया आज से रिश्ता खत्म। दरअसल सुजाता का कहना है कि बंगाल में बीजेपी ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, इसलिए पार्टी छोड़ी, लेकिन सांसद पति बोले बीजेपी में परिवारवाद चलता नहीं। ये तुमको पोस्ट नहीं मिल रहा है, अरे क्या है, भाजपा परिवार में परिवार तंत्र का विरोध है, एक परिवार में दोनों को पोस्ट नहीं देता है, जैसे यही सिस्टम है। अरे तुमको सबसे बड़ा बात, तुमको इतना इज्जत मिलते थे, तुम आगे बढ़ो, आम है। अगर परिवार तंत्र का बीजेपी इतना ही विरोधी है तो मुकुल रॉय जी और शुभ्रांशु रॉय जी दोनों कैसे पोस्ट मिला है, अर्जुन सिंह जी पवन सिंह जी एक ही साथ कैसे एमपी एमएलए बन गया, कैलाश विजयवर्गीय आकाश विजयवर्गीय एक ही साथ पार्टी में क्यों पोस्ट होल्ड करता है। बीजेपी में बैठे सांसद पति बयान के तीर छोड़ रहे थे तो टीएमसी में बैठी पत्नी प्यार के खोने की कहानी याद दिलाती रही और आखिर में बात तलाक तक आ गई। हम एक बात सीधी सी बात बोलते, सुजाता का साथ संपर्क आज से टूट गया, कुछ संपर्क नहीं है। एक दूसरे को छोटी उम्र से पहचानते थे, शादी हुआ हम लोगों का बहुत धूमधाम से शादी हुआ था और फैमिली मैरिज ही हुआ था और हम लोगों का दोनों रिसेप्शन हुआ था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसकी आंख लग गई हम लोगों के रिलेशन में, जो सौमित्र को सिर्फ मैं अलग दल किया, इसलिए मुझे डिवोर्स देना पड़ रहा है। यानी पार्टी की लड़ाई घर में दीवार खड़ी कर गई। अब आंसुओं के साथ पति पत्नी को शुभकामनाएं दे रहे हैं तो पत्नी पति को क्या बोलेंगे यार? कुछ एक बता दीजिए उनको, मतलब वो एबीपी न्यूज पर ही है। हम देखिए एक बात बोलो, कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो किया है सही समझ के किया होगा, मेरे कुछ बोलने का नहीं। 100% कर चुका हूँ। सुजाता सुमित्रो के लिए सब कुर्बान कर सकता है, मैं ये भी कुर्बानी मान लूंगी, अगर मुझे छोड़ने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आज से सौमित्र को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में फेस बनाएगा और 21 में सत्ता में आने के बाद अगर 21 में सत्ता में भाजपा सच में आएगा तो सौमित्र को चीफ मिनिस्टर बनाएं। सियासत में एक ही परिवार से दो पार्टियों में सदस्य होने का कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार ऐसा दिख रहा है जब पार्टी बदलने पर पति पत्नी में नौबत तलाक तक आ गई। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत की ऐसी कई और पिक्चर अभी दिखना बाकी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।